नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूँ शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। सर्वधर्म सम्मेलन में धार्मिक नेताओं ने शांति एवं सद्भावना पर की चर्चा। ब्रह्म कुमारी संस्था के ज्ञान सरोवर में आयोजन। दिल्ली के ONGC में अधिकारियों के लिए राजयोग से तनाव मुक्त पर कार्यशाला। आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग से तनाव दूर करने का आह्वान। नासिक के बोधले नगर में नासिक परिसर अखबार की सालगिरह पर कार्यक्रम। राजयोग और आध्यात्म लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करे संचार माध्यम। विशेषज्ञों का आह्वान। उत्तर प्रदेश हाथरस के विकास भवन में किसानों के लिए संगोष्ठी का आयोजन। जैविक के साथ यौगिक खेती करने की सलाह। सामाजिक कुरीतियां मिटाने का भी करे प्रयास। यूपी के बादशाहपुर में 2 दिवसीय तनाव मुक्ति शिविर। तनाव के कारण और निवारण पर चर्चा। राजयोग से दूर होगा तनाव। और यूके के एडिनबर्ग में ब्रह्मा कुमारी के इनर स्पेस का शुभारंभ। कई सदस्यों ने की सहभागिता। अब खबरें विस्तार से। देश भर के धार्मिक विद्वानों के ज्ञान मंथन के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में स्वस्थ एवं सुखी समाज के अंतर्गत सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी के धार्मिक प्रभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का शुभारंभ पटियाला से जैन मुनि अरविंद कुमार, मध्य प्रदेश कटनी के काली मठ के ठोला के महंत श्री श्री 1008 सुरेंद्र दास महाराज, दिल्ली के सिद्ध शक्ति पीठ की श्रीमा सिद्ध शक्ति, करनाल से गुरुद्वारा ग्रंथी बाबा सुखदेव, फरीदाबाद इस्लामिक मेडिटेशन सेंटर के सचिव MS नदवी, पलवल चर्च के फादर जॉय एस सिंह, ज्ञान सरोवर के निदेशक BK डॉक्टर निर्मला, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक BK मनोरमा, मुख्यालय संयोजक BK रामनाथ, मुंबई से मलाड सेवा केंद्र प्रभारी BK कुंती ने दीप जलाकर किया। संस्था के मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी जानकी ने कहा कि सत्यम शिवम सुंदरम के सत्य ज्ञान को आचरण में लाने के बाद त्याग व तपस्या जीवन को आनंदित करने में सहायक होता है। वही महंत श्री श्री 1008 सुरेंद्र दास महाराज ने कहा कि अध्यात्म की गहराई में जाकर धर्म के मर्म को समझते हुए मन में समाज कल्याण की भावना का विकास होता है। इसके साथ ही अन्य प्रबुद्ध जनों ने भी अपने विचार जाहिर किए। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, सर्वशक्तिवान है वो, एक ही है। तो अंदर से आवाज निकलता है, हम एक के हैं, हम एक है। जो इस धरातल पर हम लोग आज आकर दिव्य विराजमान हैं ब्रह्म कुमारी, उन धरातल की उनकी अनिकृत शक्तियों को जो परबिंब परमात्मा का मिलने का श्रेय और मार्ग जो बता रहे हैं, इन बहनाओं की इतनी तपस्या है मैं देखता हूँ। मैं भी कई राज्यों में जाता हूँ, मेरे को लगता है कि शायद इनके जैसे कर्म निष्ठा और निस्वार्थ सेवा करने वाला इस धरातल पर नहीं होगा। कि स्वर्ग और नरक इस धरती के ऊपर ही है। स्वर्ग और नरक कोई अलग चीज नहीं है, इस धरती के ऊपर है। मैंने वो नहीं देखा, पर मैं एक बात आज यहां कह के जाऊंगा कि अगर स्वर्ग की कोई प्रतिमा है, कोई रूप है, तो ये माउंट आबू के अंदर दिख जाता है।
श्री माँ सिद्ध शक्ति ने कहा कि विज्ञान भले ही कितनी तरक्की कर ले, लेकिन वह हमारे अंतर्मन तक नहीं पहुंच सकता है। आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए अध्यात्म से जुड़ना होगा। वहीं जैन मुनि अरविंद कुमार ने कहा कि पवित्रता व तपस्या से परिपूर्ण अबू पर्वत की इस धरा पर ब्रह्मा कुमारी संगठन द्वारा विश्व में शांति स्थापन करने का महान कार्य सर्वत्र फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। ये बाहर का दीपक तो थोड़ी देर में बुझ जाएगा, लेकिन हमारे अंदर का दीपक अगर एक बार प्रज्वलित हो गया तो ये कभी नहीं बुझेगा। इसमें हमने अपनी घी बाती जो भी डालनी है, हमने अपनी श्रद्धा की, अपने विश्वास की घी और बाती डालनी है, तो ये जल गया तो हमें सब कुछ प्रकाश होगा, सब कुछ हमें प्राप्त होगा। यहाँ का वाइब्रेशन मैंने देखा, यहाँ के परमाणु और पुद्गल मैंने देखे, मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर कथनी और करनी की समानता है, यहाँ पर त्याग और वैराग्य की चर्चा है, यहाँ पर देह भान में नहीं आत्मभाव में रहने वाली आत्माएं रमण करती है। जो प्रेम का रास्ता है वही सख्त रास्ता, सही रास्ता है। जो प्रेम का रास्ता है वही श्रेष्ठ रास्ता है। जो प्रेम का रास्ता है वही राजयोग द्वारा जो स्वस्थ और सुखी समाज को बना सकता है वो रह सकता है। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है जब मैं यहाँ आया और यहाँ के निज़ाम को देखा कि आपस में कितना अच्छा बर्ताव है। तो मुझे ये बात सोचने पर मजबूर हुई कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आज हर धर्म के मानने वाले इस हॉल में मौजूद हैं। कि मैं सोच भी नहीं सकता, जहाँ जैन धर्म की बात देखते हैं, बुद्ध धर्म की बात देखते हैं, ईसाई धर्म की बात देखते हैं, सब जगह पुरुष की प्रधानता नजर आती है, लेकिन एक ही ऐसी संस्था है जिसके अंदर एक नारी की प्रधानता नजर आती है और नारी सर्वशक्तिमान है, और इसका जीता जागता उदाहरण इस संस्थान में देख करके मन प्रसन्नचित हुआ। सम्मेलन के दौरान संस्थान के सदस्यों ने कहा कि धन के साथ मन की शांति व अच्छा स्वास्थ्य तभी कायम रह सकता है जब धर्म की परिभाषा को यथार्थ रूप से समझकर जीवन में उतारा जाए। किसी कवि ने कहा है, मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर, इधर उधर से मन को हटाकर प्रीत प्रभु से लगाया कर। अगर हम अपने जीवन के अंदर उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो अब हम जागे, समय आ चुका है, हमें उस परमात्मा को पहचानना होगा। जिस तरह से दो तारों को जोड़ते हैं तो रबड़ हटानी पड़ती है, उसी प्रकार से इस त्वचा, इस चमड़ी की, दैहिक भान की रबड़ को उतारना इस राजयोग के माध्यम से सिखाया जाता है। यहाँ से आप यही संदेश ले जाएंगे कि हम सभी मनुष्यात्मा की सुखमय, शांतिमय, स्वस्थ बनाने में मददगार बने। नई दिल्ली में ONGC के आवासीय परिसर में अधिकारियों के लिए राजयोग द्वारा तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लोधी रोड सेवा केंद्र से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ BK पीयूष, सेवा केंद्र प्रभारी BK गिरिजा मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस दुनिया में हर इंसान अपने आप में अच्छा है, इसलिए हमें हर एक की विशेषता को देखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दूसरों की कमी देखना ये अपने आप में सबसे बड़ी कमी है। ये बात BK पीयूष ने कार्यशाला के दौरान कही। वहीं BK गिरिजा ने राजयोग के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि स्वयं को वास्तविक रूप में जानकर अनुभूति करना ही राजयोग है। तो गुस्सा करना कोई, अगर मैंने बॉस की कोई कमी देखी तो ये सबसे बड़ी मेरी कमी है जो भी कमी देखा। इस दुनिया में कोई भी इंसान खराब नहीं है। सारा दिन ये कहते रहते हैं मेरे पैरों में दर्द है, मेरे कानों में दर्द है, मेरी आंखों में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मेरा 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 सारा दिन कहते हैं, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं जाना कि मैं कौन हूँ। अंत में कार्यकारी निदेशक JK बोधा ने अपने विचार जाहिर किए, वहीं प्रतिभागियों ने भी कार्यशाला को उपयोगी बताते हुए उसे अमल में लाने की बात कही। सुबह से ही मेरा ख्याल था कि मैं आप लोगों के साथ कुछ सीखूं और कुछ समझूं, ताकि हम लोग तो
लॉ कानून के लोग हैं रोज ही स्ट्रेस में रहते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत अत्यंत आवश्यक हो गया कि मैं स्ट्रेस की राज्य को समझ के और अपने लोग कैसे स्ट्रेस लेस कर सकें। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तहे दिल से। महाराष्ट्र नासिक में बोधले नगर के श्री कृष्ण लॉन्स में साप्ताहिक नासिक परिसर के सालगिरह के अवसर पर आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस शिविर में मुंबई से चिकित्सा सलाहकार बीके डॉक्टर सचिन परब, जय नेत्रदान संस्था के गुरुदास पाटोले, चित्रकार रमेश जाधव, न्यू लाइफ स्टाइल न्यूट्रिशन सेंटर की रेखा मुनोद, संपादक दिलीप बोरसे, नासिक सेवा केंद्र प्रभारी बीके वासंती, राजू शिक्षिका बीके वीणा समेत अनेक सदस्य उपस्थित थे। इस मौके पर मातोश्री हॉस्पिटल की ओर से शुगर जांच, आवार्ड हॉस्पिटल की तरफ से महिला आरोग्य जांच और भांगरे हॉस्पिटल की ओर से नेत्र जांच शिविर, ब्रह्मा कुमारी द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता और कार्यशाला तथा अन्य संस्थानों द्वारा अन्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदान और कुकिंग कार्यशाला भी शामिल था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने शिविर से लाभ लिया तथा संपूर्ण स्वास्थ्य के मंत्र सीखे। ऐसे ही व्यवसाय में होने वाले तनाव विषय पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर सचिन परब को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके वासंती, नगर सेवक अशोक साधभाई, अर्चना थोरात, मेघा नितिन सालवे, राष्ट्रीय खिलाड़ी तथा मार्शल आर्ट अंजलि मोरे, बीके वीणा, बीके पारू तथा बीके पूनम विशेष रूप से उपस्थित रही। डॉक्टर सचिन परब ने उपस्थित लोगों को व्यापार में आने वाली विभिन्न समस्याएं तथा उससे होने वाले तनाव पर विस्तृत रूप से जानकारी देने के साथ तनाव से बचने के भी उपाय सुझाए। इसके साथ ही शारीरिक तथा मानसिक व्यायाम भी कराया। इस अवसर पर लकी ड्रॉ भी निकाला गया, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। अंत में बीके सदस्यों समेत अनेक अतिथियों ने केक काटकर वार्षिकोत्सव की खुशियां मनाई तथा विशिष्ट लोगों को ईश्वरीय सौगात भेंटकर शुभकामनाएं दी गईं। वहीं डॉक्टर सचिन परब को मोमेंटो भेंटकर सम्मानित भी किया गया। भुवनेश्वर के यूनिट 9 सेवा केंद्र द्वारा मेडिकल प्रोफेशन एंड राजयोग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एम्स के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार महापात्रा, डॉक्टर बरोदा कांत मिश्रा, कटक के जगत सिंहपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके गायत्री, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता मुख्य रूप से उपस्थित रही। आध्यात्मिकता और इलाज का आपस में क्या गहरा संबंध है, इसके बारे में बीके गीता ने विशेष रूप से जानकारी दी। इसके साथ ही राजयोग द्वारा शरीर के सातों चक्रों को जागृत करते हुए उसे संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करने के विषय पर भी प्रकाश डाला। अंत में बीके गीता ने उपस्थित विशिष्ट लोगों को ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए ये संदेश दिया कि जो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान स्वयं उनका ध्यान रखते हैं। इसलिए हमें राजयोग द्वारा परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हाथरस के विकास भवन में खरीफ फसलों के लिए किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी द्वारा भी सहभागिता की गई। इस अवसर पर कासगंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोजा ने कहा कि जियो और जीने दो, क्योंकि हिंदुस्तानी पद्धति द्वारा पृथ्वी तत्व से लेकर सभी तत्वों को रासायनिक पदार्थों द्वारा प्रदूषित होने से बचाना है। इसके साथ ही संस्थान द्वारा किए जा रहे शाश्वत योगी खेती की जानकारी दी। वहीं आनंदपुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान का परिचय देते हुए राजयोग के महत्व पर प्रकाश डाला।
इस दौरान जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम के संयोजक बीके दिनेश ने धान उत्पादन के लिए नवीनतम पद्धति द्वारा कम पानी और बीज से अधिक पैदावार करने की जानकारी दी। अंत में जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सैयद जावेद अख्तर जैदी समेत अनेक सदस्यों ने वृक्षारोपण भी किया। बिहार के गया में कालेर सेवा केंद्र द्वारा 8 दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंगम आध्यात्मिक दर्शन मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुजफ्फरपुर सब जोन प्रभारी बीके रानी, टाटा नगर सेवा केंद्र से बीके अंजू, अशोक विहार कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके बबीता, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके निशा समेत अनेक अतिथियों ने आरती द्वारा किया। मेले के दूसरे दिन बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रेम कुमार ने शिरकत की और शिवलिंग का दर्शन कर पूजा अर्चना की। वहीं बीके सदस्यों ने उन्नेश्वरी सौगात भेंट करते हुए शिव तथा शंकर के महान अंतर को स्पष्ट किया। उत्तर प्रदेश में बादशाहपुर के मुगरी सेवा केंद्र द्वारा 2 दिवसीय तनाव मुक्ति पर शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ समाज सेवी और द्वारका प्रसाद महाविद्यालय के प्रबंधक अनिल यादव, सब्जी मंडी के सचिव रामेश्वर तिवारी, माउंट आबू से राजो प्रशिक्षक बीके भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता समेत अनेक अतिथियों ने दीप जला कर किया। जिसके विचार सदैव सकारात्मक व श्रेष्ठ होते हैं वह मनुष्य सुखी व शांत रहता है, ये बात बीके भगवान ने कार्यक्रम के दौरान कही। इसके साथ ही अन्य सदस्यों ने भी 3 दिवसीय राजयोग शिविर करने का आह्वान किया। हर एक को इस आध्यात्मिक ज्ञान के दौरान अपने विचारों को पॉजिटिव बनाने की जरूरत है। जिसके विचार पॉजिटिव चलते हैं, कम चलते हैं, उसको सच्ची सुख शांति मिलती है। अंत में राजयोग शिक्षक बीके दीपा ने जहां राजयोग का अभ्यास कराया, वहीं अन्य लोगों ने कार्यक्रम से हुए लाभ को अनुभव के रूप में जाहिर किया। कहते हैं ना, देने वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन ध्यान रखें कि आपका झोली सदा कैसा रहे, बाल्टी का तरह छेदा नहीं हो। गोवा मडगांव के कृषि विज्ञान केंद्र में ग्रामीण विकास प्रभाग द्वारा शाश्वत औद्योगिक खेती अभियान के तहत साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विज्ञान के परियोजना अधिकारी संजीव मायकर ने शिरकत की। इस अवसर पर बीके शोभा, बीके सुरेखा, बीके राखी ने उन्हें शाश्वत औद्योगिक खेती से होने वाले लाभ से अवगत कराया। राजस्थान भरतपुर सेवा केंद्र के सानिध्य में चल रहे सिकरी में नए सेवा स्थान का उद्घाटन शिव ध्वज फहराकर किया गया, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य के चिकित्सा अधिकारी पंकज अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ता खिराती लाल, प्राचार्य दयाशंकर खत्री, बीके बबीता, बीके संतोष समेत अनेक सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर विशिष्ट लोगों ने अपने विचार जाहिर करते हुए कहा कि इन बीके बहनों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये संपूर्ण मानव जाति को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ देंगे। वहीं सदस्यों ने भी लोगों से ईश्वरीय ज्ञान की रोशनी द्वारा जीवन को प्रकाशमान बनाने का आह्वान किया। अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। प्रदेश कानपुर के ब्रह्म कुमारी संस्थान की शाखा राणा प्रताप नगर द्वारा मोतीलाल मेमोरियल इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ स्कूल के प्राचार्य राजकुमार, राजो शिक्षक बीके अनुभूति, बीके पुष्पलता, बीके अनीता ने दीप जलाकर किया। बीके अनुभूति ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि स्मरण शक्ति को बढ़ाने से हम जीवन में कई प्राप्तियां कर सकते हैं और हर क्षेत्र में सफल बन सकते हैं, लेकिन स्मरण शक्ति का विकास करने के लिए राजयोग का अभ्यास करना जरूरी है। वहीं अन्य सदस्यों ने भी मूल्यों की धारणा पर बल दिया। आप एक एनर्जी हो दूसरे तरह की, कौन सी एनर्जी? चैतन्य एनर्जी हो, ठीक है, लाइव एनर्जी हो। और ये लाइव एनर्जी जब हमारे शरीर, सबके शरीर में जब निकल जाती है
कुछ कर नहीं सकती। शरीर छूट गया फिर वो एनर्जी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो शरीर के द्वारा वो एनर्जी अपना कार्य करती है। अंत में स्कूल के प्राचार्य राजकुमार को ईश्वरी सौगात भी भेंट की गई। राजस्थान में भीलवाड़ा के भारतीय गौ विज्ञान परीक्षा समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर गुजरात के पाटन सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम, बीके कैलाश, बीके किरण, बीके निधि ने सहभागिता की। इस मौके पर बीके नीलम ने सभा को संबोधित किया और समिति के कमलेश को ईश्वरीय सौगात भेंट की। वहीं कमलेश ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। ऐसे ही बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष जयश्री देसाई ने बीके नीलम को सम्मानित किया। इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने गुरु का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि गुरु वह है जो सदगति करता है और सच्चा गुरु ही जीवन में शांति प्रदान कर जीवन की सारी समस्याएं समाप्त कर सकता है। इसके साथ ही राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता ने भी परम पिता परमात्मा शिव को सच्चा सदगुरु बताते हुए उनसे सुख शांति का वर्षा लेने का आह्वान किया। हमें कोई सन्मार्ग बता दे, हमें कोई ऐसी बात बता दे जो हमें अपने जीवन में विकास के लिए मिल जाए। तो इसलिए गुरु करते हैं कि गुरु हमारे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। इंदौर के नगर उपाध्यक्ष एवं श्री रुद्राक्ष महाभिषेक आयोजन समिति के प्रभारी श्रेष्ठ जोशी ने कहा कि जीवन में परमात्मा मिलन का मार्ग बिना गुरु के संभव नहीं है और सच्चा गुरु ही सदगुरु की सत्य पहचान कराता है। गुरु का जो जीवन होता है वो समुद्र की गहराई लिए होता है। तो गुरु का हाथ पकड़ने के बजाय हमें अपना हाथ गुरु के हाथ में दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तो गलती से अपना हाथ छुड़ा के जा सकते हैं, किंतु गुरु ने अगर एक बार आपका हाथ पकड़ लिया तो आप कभी भी दूर नहीं हो सकते। इस अवसर पर राजस्व विभाग के पटवारी बलिराम सोलंकरी, समाज सेवी रमन नीमा समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। राजकोट के शास्त्रीय नगर सेवा केंद्र पर भी आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्षद राजू बोरीचा, अश्विन पटेल और संजय पटेल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके दक्षा समेत अनेक सदस्य उपस्थित थे। बीके दक्षा ने सभा में उपस्थित सैकड़ों लोगों से कहा कि परमात्मा सदगुरु को हमें धन्यवाद करना चाहिए जो स्वयं आकर मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा दे रहे हैं। अंत में सभी को ईश्वरीय मत पर चलने की प्रतिज्ञा कराई गई। इसके साथ ही सभी ने खुशियों के साथ उत्सव मनाया। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ऐसे ही राजकोट के गायत्री नगर में महापौर जयमीन उपाध्याय, पार्षद किरण रनपारा और वर्षा रनपारा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रसीला की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर बीके रसीला ने आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा की। वहीं विशिष्ट लोगों ने बीके रसीला को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। माउंट आबू से ब्रह्मा कुमारी संस्थान में वैज्ञानिक और अभियंता प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके मोहन सिंघल ने अफ्रीका के कई स्थानों का भ्रमण किया, जिसमें नैरोबी, तंजानिया और युगांडा समेत अनेक स्थान शामिल थे। इस दौरान बीके मोहन सिंघल ने अपनी बेहतरीन सेवाएं दी। इस अवसर पर अफ्रीका के निदेशक बीके वेदांति, यूरोप सेवा केंद्रों के निदेशक बीके जयंती समेत अनेक विशिष्ट सदस्य भी मौजूद थे।
यूके के एडिनबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज के इनर स्पेस के शुभारंभ अवसर पर यूके के कार्यक्रम निदेशक बीके मॉरिन, एडिनबर्ग की संयोजक बीके लुइजा और बीके स्टार्ट हेपबर्न, जिन्होंने स्कॉटलैंड में 40 वर्ष पहले ईश्वरीय सेवाओं की शुरुआत की थी, ये सभी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर सभी ने ईश्वरीय जीवन में हुए अनुभवों की लेन देन की तथा अन्य सभी को शुभकामनाएं दी। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।